उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पैसे की बकायदारी को लेकर पैसा देने वाले ने अपहरण जैसा जघन्य कांड कर डाला। जी हां, पूरा मामला रामगांव थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले रामगांव थाने पर तहरीर दी थी कि उनका बेटा अक्रम, जिसको अगवा कर लिया गया है और पैसे की मांग की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत संज्ञान लेते हुए छानबीन शुरू कर दी और 12 घंटे के अंदर ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले रियाज अहमद के पुत्र अक्रम, उम्र जिसकी 22 साल है, को उसके गाँव के दोस्त मोहम्मद उर्फ शेर अली द्वारा गुमराह करके इलाज कराने की बात करके उसकी मोटरसाइकिल से चिचड़ी चौराहा आसाम रोड पर ले जाया गया, जहां पर उसके साथी कमरुद्दीन अपने दूसरे साथी सलीम इस्माइल, राजू और इस्माइल के साथ मौजूद था। दोस्त मोहम्मद कमरुद्दीन के होटल मुंबई में काम करता था तथा कमरुद्दीन से दोस्त मोहम्मद ने 80,000 रुपये उधार लिए थे, जिसे वापस नहीं कर पा रहा था, जिसको लेकर आए दिन कमरुद्दीन परेशान करता था। अपने पैसे के बदले दोस्त मोहम्मद ने कमरुद्दीन और अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर अक्रम के अपहरण की योजना बनाई और चिचड़ी चौराहे पर ले जाकर अक्रम को कार में डाला और कमरुद्दीन ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर अपहृत को कृष्ण प्रताप के घर पर बंधक बनाए रखा। वहीं से फिरौती की मांग की गई। पुलिस टीम ने दबिश देकर अपहृत अक्रम को सकुशल छुड़ाया है और मौके से दोस्त मोहम्मद कमरुद्दीन बब्बर उर्फ संतोष कुमार, कुलदीप शुक्ला, कृष्ण प्रताप उर्फ जज को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 4 लोग मौके से भागने में सफल रहे। स्ट्रीट बस के लिए बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई रियाज अहमद द्वारा कि उसके पुत्र अकरम, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसको अपहरण कर लिया गया और फिरौती के लिए 5,12,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई और तत्काल से खोजबीन की गई, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किया गया, अपहरण की बरामदगी की गई है और इनके पास से 2 .315 बोर के तमंचे, 6 कारतूस और 6 एंड्रॉयड मोबाइल और जिस मारुति गाड़ी जिसमें वो उसको बैठा के अपहरण करके दे गए थे वो बरामद हुई है और जो अपहृत की मोटरसाइकिल है वही बरामद हुई है। इसमें मुख्य कारण ये था कि जो दोस्त मोहम्मद है, जो रियाज अहमद के लड़के को ले गया था, इस सब कुछ उधारी के पैसे कमरुद्दीन के पास में था। अपना उधार का पैसा चुकाने के लिए कमरुद्दीन के साथ इसने एक अपहरण का योजना बनाई और सभी साथियों के साथ मिल करके कृष्ण प्रताप के घर में ले जाकर बंधक बना के रखा। इसमें इनका ये था कि 5 लाख इसका पूरा पैसा मिल जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा बाकी लोगों को दे दिया जाएगा। इसको तुरंत अनावरण किया गया और 12 घंटे के अंदर ही टीम ने अपहरण को बरामद कर लिया, सभी गिरफ्तार कर लिए गया। कुछ लोग इसमें फरार है, जिसमें दबिश दी जा रही है, उनको गिरफ्तार किया गया। क्या कोई ये पेशेवर गैंग को लगाया था पैसा अदा कराने के लिए अपहरण मामले में? ये गैंग नहीं था, इसमें एक बबन सिंह नाम का, जिसके खिलाफ 3 लोग हैं, वो पहले भी इनामी रहा है और ये फेक कर सिंह नाम ने जेल गया था। वो मेन रूप से जहाँ रखवाने वाली बात थी उसके द्वारा वहाँ रखवाया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से जो तमंचा बरामद हुआ उसने हवाई फायर भी किया था और मेन रूप से वही, बाकी लोगों के खिलाफ भी कोई मुकदमा प्रयास में नहीं आ रहा है, पता कराया धन्यवाद। एक सूचना प्राप्त हुई रियाज अहमद द्वारा कि उसके पुत्र अकरम, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसका अपहरण कर लिया गया और फिरौती के लिए 5,12,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई और तत्काल से खोजबीन की गई, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किया गया, अपहरण की बरामदगी की गई है और इनके पास से 2 .315 बोर के तमंचे, 6 कारतूस और 6 एंड्रॉयड मोबाइल और जिस मारुति गाड़ी जिसमें वो उसको बैठा के अपहरण करके दे गए थे वो बरामद हुई है और जो अपहरण की मोटरसाइकिल है वही बरामद हुई है। इसमें मुख्य कारण ये था कि जो दोस्त मोहम्मद है, जो रियाज अहमद के लड़के को ले गया था, इस सब कुछ उधारी के पैसे कमरुद्दीन के पास में था। अपना उधार का पैसा चुकाने के लिए कमरुद्दीन के साथ इसने एक अपहरण का योजना बनाई और सभी साथियों के साथ मिलकर के कृष्ण प्रताप के घर में ले जाकर बंधक बना के रखा। इसमें इनका जैसे 5 लाख इसका पूरा पैसा मिल जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा बाकी लोगों को दे दिया जाएगा। इसको तुरंत अनावरण किया गया और 12 घंटे के अंदर ही टीम ने अपहरण को बरामद कर लिया, सभी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग इसमें फरार है, जिसमें दबिश दी जा रही है, उनको गिरफ्तार किया गया। क्या कोई ये पेशेवर गैंग को लगाया था पैसा अदा कराने के लिए अपहरण मामले में? ये गैंग नहीं था, इसमें एक बबन सिंह नाम का, जिसके खिलाफ 3 लोग हैं, वो पहले भी इनामी रहा है और ये फेक कर सिंह नाम ने जेल गया था। वो मेन रूप से जहाँ रखवाने वाली बात थी उसके द्वारा वहाँ रखवाया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तमंचा बरामद हुआ, उसने हवाई फायर भी किया था और मेन रूप से वही, बाकी लोगों के खिलाफ भी कोई मुकदमा